आज अनशन स्थल पर पांचवें दिन शाम लगभग 6:30 पर नायब तहसील मनीष सिंह के नेतृत्व में सिंचाई विभाग सहायक अभियंता एवं एक अन्य कर्मचारी पहुंचे। किसानों से मांग संबंधित वार्ता हुई, जिसमें किसान बंधुओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के आग्रह पर मध्यस्थता भारतीय हलदर किसान यूनियन महोबा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने जिला प्रमुख महासचिव युवा मनीष त्रिपाठी व तहसील अध्यक्ष श्री भैया लाल पटेल मौजूद रहे। अनशनकारी किसान एवं अधिकारियों के बीच जो वार्ता हुई और सवाल जवाब होने पर सिंचाई विभाग के लापरवाह अधिकारी बगले झांकने लगे एवं संबंधित मांगों पर उच्च स्तर पर पत्र भेजने की बात कहने लगे। जब उनसे पूछा गया कि आज दिनांक तक क्यों नहीं भेजा गया सम्मानित किसान बंधुओं का मांग पत्र उच्च अधिकारियों, तो कोई जवाब न देते हुए टाल मटोल करने लगे, जिस पर नायब तहसीलदार श्री मनोज सिंह जी ने किसानों को आश्वस्त किया कि शासन स्तर पर जो आपका हक मिलना है वो मिलेगा। सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बढ़ती गई लापरवाही पर नाराजगी जताई। नायब तहसीलदार श्री मनीष सिंह जी ने किसानों से आग्रह किया कि अनशन स्थगित कर दें और भूख हड़ताल को समाप्त करें, लेकिन किसान नेता गुलाब सिंह राजपूत जगदीश सहित भूख हड़ताल पर बैठे किसान नहीं माने और प्रशासन की वादा खिलाफी से नाराज नजर आए। तहसील परिसर में अनशन का पांचवा दिन है एवं 2-3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण न होने पर नाराजगी जताई गई तथा तानाशाही एवं अपशब्दों एवं अभद्रता करने पर किसान दुखी हैं। जिले के सम्मानित अधिकारियों से पुनः विनम्र निवेदन एवं आग्रह है कि सम्मानित किसान बंधुओं की जो भी मांगे हैं तत्परता से पूर्ण कराते हुए भ्रष्ट एवं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई करने की मांग हलदर किसान यूनियन महोबा की युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष होने के नाते मांग करता हूं, अन्यथा जंग का ऐलान हो गया है, अंतिम पड़ाव तक लेकर जाएंगे। आज अनशन स्थल पर गांव की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लगभग 300 से अधिक एकत्रित हुए हैं। यह संख्या कल बढ़कर हजारों में होगी और अगर प्रशासन ने तानाशाही रवैया नहीं छोड़ा और हमारे सम्मानित किसान बंधुओं के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, और अगर शांति प्रिय किसान उग्र आंदोलन करने पर बाध्य हो गया तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सिंचाई विभाग एवं जिले के सम्मानित जिम्मेदार अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की होगी, हम किसान बंधुओं या यूनियन की पदाधिकारियों की नहीं। आज की वार्ता लापरवाह अधिकारियों की कार्यगुजारी की भेंट चढ़कर विफल हो गई। जय श्री राम, जय योगी सरकार, जय जवान जय किसान, जय जय बुंदेलखंड। जनक सिंह परिहार, पिपरा माफ, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, भारतीय हलदर किसान यूनियन महोबा। और बंदी नलकूप तो सारा प्रावधान है, सारा होता है उसी में, भूमि से जुड़ी हुई आस्तियाँ और वगैरह, बाकी दोनों वीडियो बाकी जो है।